दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हम लोग इस समय खनिया धानी में हूँ। के पी सिंह अभी कुछ समय पहले ही संबोधन करके लोगों को कार्यकर्ताओं को संबोधित करके गए हैं। किस प्रकार का माहौल है, सिंधिया बना राव यागवन सिंह जो है आमने सामने है, और कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, कांग्रेसी समर्थक आपके सामने है। सर स्वागत है, क्या नाम आपका? मेरा कंवर सिंह लोधी। लोधी क्या स्थिति है? रियासत मेरी ग्वालियर जिला शिवपुरी जान क्यारे का रहने वाला हूँ। कंवर सिंह शुभ नाम जी। गाँव मुझे गर्दन से प्यारा, दिल से प्यारा देश, इसकी आन शान बढ़ाना है मेरा उद्देश्य। मैं जब कांग्रेस में रहा तो भैया साहब जी मंत्री बन के आए तो मैंने भाषण दिया था, वहाँ मुझे आज भी दिमाग में है कि पिता का और नेता का एक लक्ष्य होना चाहिए। पिता का लक्ष्य है कि मेरा परिवार सुखी रहना चाहिए, और नेता का लक्ष्य है कि मेरे देश की जनता सुखी रहना चाहिए। और हमारे बीच में जो आया, मैं ज़्यादा ना कहकर कि देखिए, माता मारे पुत्र को, कहान पिता से जाए, और मालिक मारे गाँव को, फिर कहान कौन से जाए। तो भैया साहब से ज़्यादा मुझे सम्माननीय माननीय कक्का जी ने दिया है, और मैं उनके साथ हूँ। और हमारे संसद का चुनाव लड़ रहे हैं, अभी उनसे मेरी मुलाकात नहीं है। और तो मेरे लिए एक दोहा मेरे लिए याद आता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किनके लागू पाओ, और बलहारी गुरु आपकी गोविंद ये बताए। तो कक्का जी ने ही मुझे महाराज साहब से भी जॉइंट कराया था, लेकिन महाराज साहब अब जनता पार्टी में चले गए, हमारा कोई विचार विमर्श नहीं बना, इसलिए हम तो भारत माता की जय और जय जवान जय किसान का नारा करते हैं। और मानिए, हम कक्का जी के आज सुनकर के मीटिंग में और खनगना पधार रहा हूँ, जो कुछ मेरी गलतियाँ हो, और जय जवान जय किसान का नारा करता हूँ। और मैं सिंधिया जी के बारे में कछु बोलो कि तुम अपनी अपनी नए रहो। हम सिंधिया जी के बारे में यही तो बोलते होती है, तुमने क्या समझ? नहीं, अभी तुमने डायलॉग छोड़ दिए। भराई हवा निकाल रही है। देखो, अपन लोग सब सोचते थे जब महाराज साहब और कमलनाथ जी सीएम बने कि ये 5 साल सरकार बनाएंगे और चलाएंगे, प्रेम से चलाएंगे। लेकिन अब कारण कुछ भी हुआ हो, महाराज अपन 20-25 विधायक लेके किसानन के चक्कर में गए थे महाराज। कारण जो था तो कह रहे कि हम किसानन के कर्ज माफ नहीं हुआ। हाँ, और देखिए, किसानों को कर्ज माफ नहीं हुआ है, तो इसलिए हमें और आपको दर्द है कि देखिए, हर नेता का लक्ष्य जनता को पहले देखना चाहिए, अपने क्षेत्र को पहले देखना चाहिए, अपने घर परिवार को पहले देखना चाहिए। ये अपने घर परिवार को देख रहे हो तो पार्टी छोड़ दी। भैया कहाँ आओ? कृपाल सिंह चौहान। चौहान जी, क्या स्थिति है आपकी? जा यहाँ पे जो सांसदी चुनाव है उसमें राव यागवन सिंह की क्या स्थिति? सर स्थिति तो अभी तो देखो कोई बता नहीं सकते, क्योंकि स्थिति ना तो अपन उनसे मिले, जो यादवन सिंह हैं, जो राव यादवन सिंह, अब सांसद को चुनाव हुआ है, हर कोई हाँ, तो सही बात है, वो अपन मिल तो पाए नहीं उनसे अभी। क्या के पहले में बीजेपी आया थे, बीजेपी मिले हुए, सही बात है, अपन मिले भी नहीं उनसे कभी। और देखो, जिन सिंधिया जी से मिले हो, वो छोड़ के चले गए, क्यों नहीं किए सारे, हम लोग चलते थे, आज वो छोड़ के चले गए, तो हम लोग अपने स्तर हैं आज भी, जो यहाँ पे हैं वहीं पे स्तर थे, अब अभी स्तर रहेगा हमारा। जो तुम्हें जो लग रहा हो कि जो पिछोर विधानसभा आए थे इतने फिर से कांग्रेस जीत के, भाई आपको बताएं, लगभग हम लोगों का तो यही है कहना कि जीतेंगे यहाँ से, जीतेंगे। हाँ, क्यों कि हम लोग अपना उत्साह कम क्यों करेंगे, नहीं करेंगे ना। अच्छा, जो विधायक है प्रीतम सिंह लोधी, कामकाज ठीक ठाक कर रहे हैं 3-4 साहब? हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। विधायक है तुम्हारे? नहीं, विधायक हमारे जरूर है, लेकिन हमें जानकारी नहीं है ना, हमें आज तक कोई उनके कोई ऐसा कार्य हमारे नहीं मिलेगा आज तक। नहीं, वो नहीं मिले आज तक ना उनका कोई कार्य हमारे सामने आज तक आओ, तो अपन उनके बारे में क्या कह सकते हैं। सुनना है बहुत कछु कर भी लगे, कर रहे होंगे, लेकिन अपन तुम तक नहीं आने की बात है। अपन मेरा नाम नीलम सिंह। क्या है नीलम सिंह? हमारे पिछोर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने वो काम किए हैं कि हमारी पिछोर विधानसभा की जनता पूरा कक्काई साहब की सहमति से और राव यादवेंद्र सिंह देशराज सिंह के लड़के को पिछोर विधानसभा से विजय बना के भेजेगी, और हर जनता बदलाव चाहती है। महाराज साहब भी पहले 5 साल बाद कांग्रेस में थे तो क्या क्या कहते थे, आज भी पूरी पब्लिक पिछोर विधानसभा की को छोड़ के पूरे गुना जिले की को, और वे शपथ भाजपा में ले चुके, तो अब यहाँ की जनता तो सब समझदार है और सब जागरूक है। बुला तो रहे, तुम भी पहुँच जाओ। नहीं नहीं, हम वो सिपाही हैं, ऐसी भर्ती निकाली उन्होंने कि सब कांग्रेस ही आ जाओ। हम कांग्रेस के सिपाही हैं और हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं छोटे, हम कांग्रेस के काम करेंगे, करते रहेंगे। जमीन बिकाऊ नहीं है। नहीं, एक बात बता, जिन लोगों को कक्का जी ने 30 साल साथ दो, ये 3 महीने नहीं टिके और बीजेपी नहीं, वो उनका काम है, वो उनका सोच लक्ष्य, वो अरे स्वार्थ का यार, जो 30 साल से अपना धंधा पानी चला रहे थे, 3 महीना नहीं चले तो खर्चा बढ़ा हुआ है, जुगाड़ करवे गए, हो जाए नहीं वापस तो भी नहीं, तो ही होने। अच्छा, मतलब कमावे गए? नहीं, निश्चित, ऐसा नहीं है कि बे स्थाई गए,
वे तो केवल अपनी जुगाड़ मध्य गए कि चलो हम जब तक जो समय कट जाए और वोट भी देते हैं। सिंधिया जी के पास वोट नहीं है उनका, भीड़ तो बहुत क्लियर। अरे भीड़ तो अब जाएगा भी कि चलो ठीक है भीड़ हो जाए तो इनको काम बन जाए तो ठीक है, नहीं काम तो मिलोगे तो ही होने। इसलिए हमारा तो सभी कांग्रेस कार्यकर्ता का लक्ष्य एक ही है कि राव यादवेंद्र जी को हम सब लोग वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और ऐसे को वोट हम नहीं करेंगे जिनने इतिहास 15 साल का इतिहास टूरा, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने 15 साल की सरकार बनाई कि हमारी सरकार रहेगी हमारा कुछ ना कुछ एक बड़ा संघर्ष रोजगार चलेगा। और जिनने पार्टी को त्याग के पार्टी को गिरा के कार्यकर्ता के मनोबल को गिरा के और वे अपनी सरकार को मिटा के दूसरी पार्टी में चलेगा, बिने तो सिपरी गुना सिपरी से नहीं, बिने मध्य प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, कायदे से सिंधिया किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। के पी यादव ने हरा दो तो अब वे जा करेंगे जितने यादव नेता बनाए हम ही ने बनाए, यादव समाज का ऐसी यादवों से सिंधिया जी की राजनीति चली। ये नहीं है कि यादवों को उनने बनाए, वे तो कित कर रहे खूब, वो तो मुख्यमंत्री उनने बनाओ, तमाम मंत्री विधायक उनने बनाए और जी को जनता ने जी को सांसद बनाओ मिटाया था। श्रीमान कक्का जी ने आज तक कोई ऐसा पिछोर विधानसभा में प्रदूषण नहीं फैलाया कि कोई आम जनता ये चीज कह दे कि नहीं कक्का जी साहब ने ये काम गलत किया। कक्का जी साहब ने जो काम छोटा से छोटा बड़े से बड़ा सबका समाधान लेके चले, कक्का जी साहब ने कोई ऐसी बात नहीं रखी कि किसी कार्यकर्ता को कोई क्षति पहुंची हो। और हमारा सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारा पूरा तन मन धन से कांग्रेस के साथ है, यादवेंद्र जी के साथ है। और मालिक ने चाहा तो 2019 में 16-17 हज़ार से जीती, इस बार 25 हज़ार से जीतेगी कांग्रेस किशोर विधानसभा। मेरा नाम सियाराम यादव, धर्मपुरा का। यादव जी जो बताओ, 22 मई से सीधा सवाल है कि तुम बढ़िया यादव मिल ही गए हमारा। सिंधिया जी की एक वीडियो वायरल हो रही है, जितने जो यादव मध्य प्रदेश के नेता बना जी हम ही ने बनाए, मुख्यमंत्री तक उनने बना दो तो भैया का तुम लोगों ने दम बम नहीं थी और जो तुमने अपनी दम पे सांसद चुने तो उनको भी उनने निपटा दो। अरे ये बात आप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री उनने बना दो, अरे वीडियो अगर वे इतने वे होते तो अभी खुद ही सांसद का हूँ हारते 2019 तो याद बनने हरा ही तो केपी यादव ने हरा दो चर्चा कर उनकी चर्चा नहीं। 2019 में काय हार गए थे जब ये याद बने बना तो वो फूटा तो वैसे ही पटो डरो। अब फूटा जब जो जमो है वो होई की होई जम है जो तुम जानते ही हो कायक हो सिंधिया जी और अंत देख लेते बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ तुम भी पहुंच जाओ कांग्रेस जा जनता पागल नहीं जा जनता को बुला रहे ज्यादा पुराने दोस्तान को वो तो उनने भगवो सिखा दो सुजे यार इते ही के भग रहे इस कारण उनने ही तो भगवो सिखाओ फिर अब अगला चुनाव ने सिंधिया जी पहले पाई से ना विधायक भक्त था ना कोई उपनाया होता था जिंदा व्यक्ति कोई अगर खत्म होता था कोई घटना होती तो इसमें उपचुनाव होता था। सिंधिया जी एक ऐसी भगोड़ी राजनीति सिखा दी मध्य प्रदेश क्या पूरे भारत इधर के नेता उधर करके और समय तो देखे भाजपा का समय कांग्रेस का सत्ता पर रहा कांग्रेस का भी। ये सिंधिया जी कारण से पार्टी छोड़ कर गए थे वो कछु भाव है क्या नहीं भाव कर्ज माफी की हो रही थी किसानों को कर्ज माफ भाव नहीं हुआ सर अभी तो कोई कर्ज माफ नहीं हुआ जिस उद्देश्य से वे गए थे वो उद्देश्य तो लेके अभी कोई जनता में आया नहीं है। अच्छा एक चीज और आ रही थी बार बार खनिया दाना पिछोर का जिला बनावे को लेकर प्रीतम लोधी पंजाब सिंह सब ने वोट भी मांगे और जनता ने उन्हें जिता भी दो तो जिला बनवे को लेकर क्या हो रही चर्चा हो रही कि जिला बनने सर वो तो भाजपा वाले लोग जाने जो उनने मुद्दा सर रखाया था विधायक जी यहाँ के चुने उसी मुद्दे पर और लोग जाने के जिला क्यों नहीं बनाया तो आप लोगों को नहीं लग रहा हुआ कि यार थके थके ठग लाओ वो तो हकीकत बात है दुनिया को पता है कि वो तो ठग लाए और ये चुनाव में असर दिखे क्यों नहीं दिखेगा वो तो जनता है अब जो मन में ही भरी है कि जो क्या करना है क्या नहीं करना है। सिंधिया को चुनाव फंस रहा हो कि सिंधिया एक तरफा जीत रहे सिंधिया जी कहाँ से जीत है हिना तो यादवेंद्र सिंह की विजय होती है और क्या यादवेंद्र सिंह की काय विजय हुई अभी खुद बीजेपी वाए थे कब नहीं बस मतलब थुरक्सी भी भाजपा से गए इस कारण उन्हें सम्मान भी मिलो और ऐसा प्रत्याशी मिलो कि वास्तव में बहुत अच्छा प्रत्याशी है और ऐसा नहीं है कि अच्छे घराने से व्यक्ति ठीक ठाक आदमी है। अच्छा केपी यादव की जो टिकट काटी वो खोले के यादव समाज का क्या रही क्या सोच रही उन्हें ये दर्द है कि या तो कोई व्यक्ति या तो हार जाता अगर चुनाव लड़ता तो टिकट कटवो जरूरी है तो कि टिकट कट गो
फिर महाराज की दमखम कैसे देखती कि महाराज ने टिकट कटवा दी, जीते जीते सांसद को मतलब भगा दो और सुनो संगे संगे क्षेत्र से भगा दो, जाओ तुम दूसरी जगह प्रचार करियो। अब जो परिणाम तो जनता दे, देखो तुम 4 मई को सुन लेना।